उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को अभी एक साल का वक्त पड़ा है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों राज्य भर का दौरा कर रहे हैं और बहुत ही मुखरता के साथ योगी सरकार के शासनकाल में प्रदेश में होने वाली सियासी गतिविधियों पर मुखर होकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बीते दिनों मऊ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाए जाने का मामला काफी गरमाया हुआ था। दरअसल योगी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया गया है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए। इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कुछ पहले ही मस्जिदों में होने वाली नमाज पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई थी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाए जाने के मामले पर कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार यूपी लाए जाने के मामले पर यूपी सरकार की जिम्मेदारी है कि मुख्तार अंसारी को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि लोगों में इस बात का डर है कि उत्तर प्रदेश लाए जाने के बाद उनका एनकाउंटर किया जा सकता है या उनकी गाड़ी पलटी जा सकती है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने अगर उत्तर प्रदेश छोड़ा था तो सुरक्षा के लिहाज से छोड़ा था। आज देखा जा रहा है कि एक पर एक एनकाउंटर हो रहे हैं, कोर्ट परिसर तक में हत्या हो जा रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने का आदेश दिया है तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी बातें कहीं ही होगी, जिससे प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा। बीते दिनों इलाहाबाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने मस्जिद में होने वाली अजान को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि अजान की वजह से उनकी नींद खुल जाती है, इसलिए अजान पर रोक लगाई जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि आज विश्वविद्यालय में कोई दलित, पिछड़ा या मुस्लिम समाज का व्यक्ति कुलपति प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। कुछ सालों पहले तक अजान को लेकर किसी को भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज इस तरह के मुद्दों में उलझाकर भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों से बचाना क्यों चाहती है। न्यूज रूम से खबर अवधि की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।